तो इस वीडियो में हम लोग ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है, जैसे 25, 100, 225, 400 एक्सेट्रा, क्योंकि ये सारे नंबर किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे अगर हमें रूट 25 का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग सिंपली लिख देंगे रूट के अंदर 5 × 5। अब इसमें से क्या होगा कि एक पेयर बाहर आ जाएगा, बचेगा 5। तो हम लोग ये कह सकते हैं 25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर हमें रूट 100 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग रूट 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, और फिर वही इनमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा 10, तो रूट 100 का वैल्यू 10 रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट पता करने की कोशिश करते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर लिख पाना बहुत ही मुश्किल हो, जैसे 5, 7, 11, 48, 148, और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर लिख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीज़न मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी लेंदी मेथड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, और ये मेथड आपने क्लास 7-8 में पढ़ रखा होगा। लेकिन आज हम लोग एक दूसरे मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे जो काफ़ी कम समय लेता है और इससे काफ़ी आसानी से स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। ये फॉर्मूले में x जो है वो नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उस नंबर को आप ए स्क्वायर प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिखिए, और अगर आपने उस फॉर्म में लिख लिया तो फॉर्मूला ए प्लस माइनस बी बाई 2a होगा। हम लोग एग्जांपल के जरिए समझेंगे ए क्या है और बी क्या है। तो पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि उस नंबर को आपको स्क्वायर प्लस माइनस बी के फॉर्म में लिखना होगा, तो हमने उस तरह लिख लिया है। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले में ए और बी का वैल्यू रख देंगे, तो ए का वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल किया तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो क्या जाएगा, 2 + 1/4। अब कुछ नहीं करना है, हमको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। 2 + 1/4 कितना होता है, 0.25। अब ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 2.25। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि रूट 5 को हम लोग 2² + 1 के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन 3² - 4 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इससे आंसर रॉन्ग आएगा, इससे आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि 2² 4 5 के सबसे ज़्यादा करीब है, 3² जो कि 9 होता है वो 5 से दूर है। तो आप लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखने की कोशिश करिए जो 5 के सबसे ज़्यादा करीब हो। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल करते हैं, इसमें हम लोग 7 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके लिए आप वही फिर से 7 को आप लोग 3² - 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। 3² क्या होगा, 9 होगा, 9 में से 2 गया, 7 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से कि ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गया। तो आप लोग ए और बी का वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो इसमें पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रखिए, लेकिन ध्यान दीजिए इस बार यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा। बी का वैल्यू क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 3 - 1/3। 3 - 1/3 का वैल्यू 0.333, तो ये क्या जाएगा, 2.666। यहाँ पे हम लोग रूट 7 को 3² - 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 2² + 3 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप 9 ज़्यादा करीब है 7 के कि 4 ज़्यादा करीब है 7 के, तो ऑब्वियस ही बात है 9 ज़्यादा करीब है, इसलिए हम लोग ये फॉर्म यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल करते हैं, इसमें हम लोग रूट 11 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रूट 11 के वैल्यू के लिए आप रूट 11 को 3² + 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए की जगह आप लोग 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। बी की जगह 2 रख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह 3,
टू से टू कैंसिल हो गया, थ्री प्लस वन बाई थ्री, ठीक है, थ्री प्लस वन बाई थ्री वैल्यू 0.33, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3.33 आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हम लोग रूट 48 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 48 के करीब 49 होता है और वो 7 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से आप 1 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा। तो आप फिर से वही देख सकते हैं, ए का वैल्यू क्या जाएगा, 7 आ जाएगा, बी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, ए की जगह 7, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बी की जगह 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, 7 माइनस 1 बाई 14 होगा, ठीक है, 7 माइनस 1 बाई 14 की वैल्यू होगी 0.07, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6.93, ये आपका आंसर हो गया। आखिरी एग्जांपल करते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। इसमें हम लोग 148 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो फिर से भाई 148 जो है वो 144 के बहुत ही करीब है, और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 लिख देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, उसमें आप 4 ऐड करेंगे तो 148 आ जाएगा। फिर से भाई आप देख सकते हैं, ए का वैल्यू क्या जाएगा, 12 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए की जगह आप 12 लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, बी की जगह आप 4 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 12, 2 टू ज़ा कट जाएगा, 2 वन ज़ा, 2 सिक्स ज़ा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 12 प्लस 1 बाई 6, 12 प्लस 1 बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 0.166। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो क्या जाएगा, 12.166 आंसर। मैं यहाँ पे एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि इस ट्रिक से रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू ना निकालिएगा, उनकी वैल्यू याद कर लीजिए। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।